हेलो गाइस, मैं हम लोग के साथ आ गए हूँ। आज हमारे छोटे भाई का बर्थडे, इसलिए हम मटन पूड़ी मंगाए गए। आप उसकी रेसिपी देखते हैं। पहले तो ये मैदा ले लेनी है, इसको छन्नी से सान लेना है। ये इसको छान लेना है, इसे ये देखो छान लिया। अब इसमें मीठा सोडा नाक में देना, फिर इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें दही एक कप ये, और इसके नाप का ही तेल चाहिए ये दो कप। इसमें हमने दही डाल दिए, एकदम ताजा देसी गाय का दही। इसमें ये कलर डाला जाए, ये तेल आ गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसके साथ कलर भी मिला दिया ताकि ये ब्राउन कलर के हो जाए। और इसको मिला देना है। अभी एक कप और तेल आएगा क्योंकि दो कप दही के डाले थे तेल, क्योंकि इसमें एक कप और तेल आ गया। अब बराबर हो चुके हैं, दो कप दही और दो कप तेल हो चुका है। अब इसको मिलाया जा रहा है। ये देखो, ये इसको अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है। ये इसको अच्छी तरह मिलाया। अब इसको गोंद लेना है आटे की तरह। इसमें कलर भी आ चुका है। से हमने ये आटा तैयार कर दिया है। आपको ये एक कप दही आपको ये एक कप दही और एक कप बराबर तेल लेना है, और इसकी मदद से हमने ये आटा तैयार किया। ये देखो, और ये देखो, ये बनाए जा रहे हैं। ये आटा तैयार हो चुका है हमारा लगभग। हमने 1.5 किलो तो मैदा ली, उसके अंदर 2 कप दही के और 2 कप तेल के, और थोड़ा सा हमने मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा कलर डाला है। इसके बाद ये आटा तैयार हो चुका है। से नहीं करना गोलता, गोल करने से फिर इनके अंदर रस नहीं जाता है, चास नहीं। ये यहाँ पर हम डाल रहे हैं, ये देखो, अब इसमें हम 3 से 4 मिनट, ये इसमें लगभग 3 से 4 मिनट तक हम सेकेंगे इनको। तो 5 मिनट तक सेकेंगे। ये हमारे इतने तैयार हो चुके हैं। अब इतने तैयार कर दिए, अब इनको कर लिए हैं। ये देख सकते हो आप, ऐसे फिर इनको 5 मिनट तक इसमें सेक। और हो जाओ, रोक
सबको लेने, 5 मिनट तक इनको सेकना है। टेस्ट कर लेता हूँ कैसे बने। बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं क्या बताऊँ आपको, एक और खा लेता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है। काफी सॉफ्ट।